इसराइल से 286 भारतीय और 18 नेपाली नागरिकों को लेकर पांचवी फ्लाइट पहुंची दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले सशस्त्र बलों को किया सम्मानित, नगद राशि देने की भी घोषणा। तमिलनाडु में 2 पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 14 लोगों की मौत। केरल में बस पलटने से 13 से अधिक श्रद्धालु हुए घायल। जम्मू कश्मीर सीमा पर पाक रेंजर्स ने की फायरिंग, बीएसएफ के 2 जवान घायल, भारत ने दिया जवाब। जल्द बाजार में लॉन्च होगी मन की बात पर तीसरी पुस्तक, शाह ने युवाओं को दी किताब पढ़ने की सलाह। दो हफ्ते बाद भी सिक्किम में बाढ़ का कहर जारी, 2 और सब मिले 76 लोग अभी भी लापता। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, जहां रह रहे हैं दलित उसी जमीन पर मिलेगा मकान का पट्टा। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा ने तोड़े पिछले सारे रिकॉर्ड, श्रद्धालुओं की संख्या 50 लाख के पार। इसराइल के अस्पताल पर हुए हमले में 500 लोगों की मौत, इसराइल ने हमास को बताया जिम्मेदार। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।